इतने बड़े पद में राष्ट्रीय पद का आदमी भारत के संविधान के ऊपर जाके बात करता कम किसी धर्म को लिखवा देंगे, ये तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 235 सबका उल्लंघन है। धारा 2 में लिखा है कि आदिवासियों पे हिंदू विवाह कानून लागू नहीं होता, ये स्पष्ट है हम हिंदू नहीं है। आदिवासी शुरू से ठगे गए हैं, ठगे जा रहे हैं, चाहे प्रताड़ना का बात करें, चाहे विस्थापन की दंश झेला हो, जब भी सड़क बना है, पुल बना है, बांध बना है, रेल बना है, विस्थापित सदा इस देश के मूल निवासी आदिवासी हुए। हमारे नेता मन अलग अलग पार्टी में जाकर समाज की बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अभी क्या होते हैं, धर्म के नाम पे कांग्रेस आदिवासी, बीजेपी आदिवासी, आरएसएस आदिवासी, किसरना आदिवासी, हमन एक जगत हो जान। हमन आस्तिकन ना हमन नास्तिकन, हमन कायन हमन वास्तविकन, ये चलन है। सोशल मीडिया से बड़ा फायदा हमारा लहो है। जनगणना के विषय में आदिवासी समाज कह रहा है कि हम हिंदू नहीं, हमें जनगणना में अलग कोड की आवश्यकता है, हमें एक अलग कोड जारी किया जाए, जिसे लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडवाना गोंड महासभा के प्रांताध्यक्ष विनोद नागवंशी, जो कि सर्व आदिवासी समाज के छत्तीसगढ़ के युवा नेता बने हैं। आइए जानते हैं उनसे इस विषय में कि आदिवासी समाज स्वयं को हिंदुओं से अलग क्यों मानता है, या ये मांग आज की है, या ये सदियों से चली आ रही मांग है जो आज फूल पकड़ी हुई है। इसे लेकर नेताओं के बयान भी तेज हो चुके हैं, भाजपा ने भी मोर्चा संभाला हुआ है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत के बयान के बाद इस मामले ने तुल पकड़ा। इस विषय में आइए जानते हैं विनोद नागवंशी जी से क्या है आदिवासियों की मांग और क्यों। बादल जी, आपने ये जो प्रश्न किया आज के संदर्भ में बड़ा मारक भी है, और एक पहचान के लड़ते हुए आदिवासी समाज के लिए एक अवसर आया है कि अपनी पहचान को तलाशें। ये लड़ाई बरसों चला रहा है, लेकिन अलग अलग जाति समीकरण में हम कभी गोंडी धर्म के लिए, कभी सरना धर्म के लिए प्रयास करते रहे हैं। और ये प्रयास इसलिए भी हुआ है कि 1871 में जब पहली बार जनगणना लिखी गई थी, उसमें हमें एबोरिजन, उसके बाद के जनगणना में एबोरिजिनल, फिर 1901 में एनिमिस्ट, 1911 में एनिमिस्ट, 1921 में एनिमिस्ट, 1931 में हमें ट्राइबल रीजन, उसके बाद ट्राइबल रीजन, फिर 1951 में शेड्यूल ट्राइब का दर्ज करते हुए जनगणना हुआ था, जिसमें धर्म कोड हमारा अलग था जी। अचानक 1991 के बाद की जनगणना में हमारा धर्म कालम हट गया और हम कहीं ना कहीं पहचान खोते हुए, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन चूंकि सनातन से होते हुए भारत में हिंदू बोल के हमको जोड़ दिया गया जी। और चलाता रहा, लेकिन शेड्यूल एरिया या ट्राइबल अपनी परंपराओं जीते आ रहे हैं। इसका संविधान ने अलग से प्रोविजन किया हुआ है कि वी आर गवर्न्ड बाय आवर कस्टम लीला। यहाँ तक कि 1995 संशोधित हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 2 में लिखा है कि आदिवासियों पे हिंदू विवाह कानून लागू नहीं होता, ये स्पष्ट है हम हिंदू नहीं है। जैसे आप लोगों ने कहा कि हम हिंदू से अलग, यह बात आज उठकर के आई, उफान ने तब आया जब आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत का ये बयान आता है कि आदिवासी हिंदू और हम गांव-गांव जाकर के उन्हें बोलेंगे कि ये सेंसस 2021 में वो अपने धर्म के कॉलम में हिंदू लिखे। अगर इतने बड़े पद में राष्ट्रीय पद का आदमी भारत के संविधान के ऊपर जाके बात करता कम किसी धर्म को लिखवा देंगे, ये तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 235 सबका उल्लंघन है। आप किसी प्रकृतिवादी आदमी को जबरदस्ती थोपने का प्रयास क्या साबित करना चाहते हैं। मैं इसके लोकतांत्रिक देश में की बात अगर ऐसा कोई कर रहा है तो घमंडी कहूँगा या अहंकार कहूँगा कि किस चीज़ को थोपना चाहते हैं। अगर लोग कहते हैं कि हिंदू पद्धति मिलता है, तो मैं कह दूं इस देश के हम धर्मी पूर्व हैं, धर्मों के आकलन होने के पूर्व से हम रहते आ रहे हैं, हम प्रवासी नहीं हैं, न हमको बसाया गया है। हाँ, हो सकता है कि हमारे आसपास रहने वाले सभी समुदाय में हमारे कुछ धार्मिक प्रवृत्ति या संस्कृति को अपनाने का प्रयास किया होगा, हो सकता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आदिवासी वो कहीं ना कहीं राजनीति से ये जो आंदोलन हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीति के कारण ही इसमें सबसे ज्यादा तकलीफें की सामना करना पड़ रहा है आदिवासियों को, क्योंकि आज जो कांग्रेस
आप लोगों के पक्ष लेकर के खड़ी है। जब जब ये जनगणना की व्यवस्था की गई थी तो ये व्यवस्था तो करने वाले को ही थे, और 1951 में जो पद्धति में बदलाव हुआ वो उसका भी कांग्रेस ने किया था। तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? इसमें बादल जी आपने बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया और सही प्रश्न भी कर दिया। धार्मिक जो खेल देश में चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लिए करते हैं हम। इसलिए आदिवासी लोग धर्म से अपने आप को शुरू से अलग रख के अपनी संचलन करते रहे। हमारे बड़े बड़े कचारगढ़ देखो, वहाँ कोई मूर्ति नहीं मिलेगा, लाखों की भीड़ जाती है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं रहता। मेडारा में सरलक्का समक्का देखो, करोड़ों भीड़ जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं किया जाता, लेकिन कहीं कोई दुर्घटना नहीं मिलती, ना कोई मठाधीश बनने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और राज करने के लिए लोक लुभावन प्रस्तावना रखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आदिवासी शुरू से ठगे गए हैं और ठगे जा रहे हैं। चाहे प्रताड़ना का बात करें, चाहे विस्थापन की दंश झेला हो, जब भी सड़क बना है, पुल बना है, बांध बना है, रेल बना है, विस्थापित सदा इस देश के मूल निवासी आदिवासी हुए, तब धर्म किसी चिंता नहीं हुई। धर्म में जोड़ने की बात सब करते हैं, लेकिन उस धर्म ले जाके बैठाओगे कहाँ? न क्रिश्चियन ने कह पाया, न तथाकथित हिंदू कह पाए कि हमको बताए। आदिवासियों को फायदा क्या होने जा रहा है? जो देश का संवैधानिक व्यवस्था है उसमें पूरे के पूरे आदिवासियों को उनके पूरे पूरे अधिकार मिले हुए, लेकिन धर्म के कालम में इस बदलाव से आदिवासियों में किस प्रकार के बदलाव देखने जा रहे हैं? अगर देखा जाए दुनिया में, विश्व में सभी चीजें या जीव अपने डीएनए को संरक्षित रखने का प्रयास करता है। ये स्पॉन्टेनियस फंक्शन कहते हैं, वर्ल्ड का रूल है, सभी चीजें, सभी जीव। और उस प्रकृतिवादी, जैसे बाकी धर्मों में व्यक्ति से व्यक्ति संबंध देखा जाता है, प्रकृतिवादी में हम जीव जंतु को अपना टोटम मानते हैं, भक्षण भी करते हैं, बचाते भी हैं। ये जो बाकी धर्मों से अलग करता है, और इन्हीं बातों से, खाली इस भारत देश की बात नहीं करो, पूरे विश्व में आदिवासियों के लिए अलग से सुविधाएं हर देश के संविधान में कहीं दिया जाता है, ये सच है। चाहे वर्ल्ड की बात करो, जहाँ से हमारे लिए वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल के 9 तारीख का जो हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाने का प्रांत है, उसमें 43 हमको अधिकार दिए गए, वैसे ही अधिकार जो हमको सुरक्षित मिलता है 13-3 का में रूढ़िजन्य परंपरा, वो तभी लागू होगा जब हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। तो जैसे यहाँ पर मोहन भागवत जी भी अगर हिंदू कह देते हैं तो हम अगर उनके उनके पूजा पद्धति में जाते हैं, हमारी कस्टम तो खत्म हो जाएगी। जिस दिन मेरी कस्टम खत्म, उस दिन वो अधिकार भी खत्म। बता दूँ, भारत में 3-4 जातियाँ जो अपनी संस्कृति खो चुके थे, उनको शेड्यूल ट्राइब का लाभ मिलना बंद हो गया है। अब अचानक विरोध क्यों हुआ? थोपने का जब प्रयास हुआ। बस्तर में हमारा पेश एक्ट लागू नहीं हुआ, बड़े बड़े धर्मावलंबियों का आश्रम खुल गया, जबकि वहाँ पर संस्कृति के विपरीत कुछ नहीं खुलेगा शब्द है। हम डर रहे हैं थोपने के प्रयास में अपना अस्तित्व न खो दें, जो हमको मिला है अपने पूर्वजों से। रहने सहने की व्यवस्था बात करते हैं, ये तो लोगों ने थोपा कि धर्म होता है और हमको किसी धर्म में डालने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं नहीं भैया हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको अलग कर दो, आरोपों से अलग करो, हम अपनी पहचान के साथ जीना चाहते हैं। और अगर विश्व मानती है कि ट्राइबल संस्कृति से ग्लोबल वार्मिंग बच सकता है, अपनी संस्कृति की पहचान चाहते हैं, किसी तकलीफ क्यों हो रही है, कोई जबरदस्ती थोप क्यों रहा है, ये चिंता का विषय है। जैसे अमर में कहे जाते हैं, हमन आस्तिकन न ना हमन नास्तिकन, हमन कायन हमन वास्तविकन, ये चलन है। सोशल मीडिया से बड़ा फायदा हमारा लहो है, निश्चित ही आपके स्टूडियो में मतलब उम्मीद है कि बात सब तक पहुँची कि बहुत अकन रहस्य है। जैसे साउथ अफ्रीका के बाद दूसरा जैव विविधता के सेकंड टॉप वर्ल्ड के बस्तर है, होकर स्टडी हो एक बजाय कहा होते मालूम, कतेक लोहा है, कतेक टीना है, यही खोज में हमन बोला विस्थापित करे चक्कर, धमतरी में 4 बांध है, सांस्कृतिक बातें नहीं हुई। अभी कहा होते धर्म के नाम पे कांग्रेस आदिवासी, बीजेपी आदिवासी, आरएसएस आदिवासी कि सरना आदिवासी, हमन एक जगह हो जान। और जे दिन ये समाज एक जगह बैठी तो कहीं ना सबले बड़ी धर्म यदि एक दिन बैठबो ना तो देश ला बता सकबो कि भैया दिल्ली के एसी से बैठ के हमारे विकास के धारणा मत बनाओ, नून तेल तंबाकू बांटे के पहली हमारे अधिकार और सम्मान की बात कर लो। ये विडम्बना है कि हमारे नेता मन अलग अलग पार्टी में जाए के बाद समाज की बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब अभी भी कहा जाए, मैं राजनीतिक बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन 29 विधायक समाज में है, कोनो बात नहीं करते, ओकर पहले भी कोनो नहीं करी, तो समाज अपन लड़त लड़त, ये एक दिन की लड़ाई हुआ है बादल जी, ये बहुत लंबा समय से ले आते। और आप बता दो एकर दो सेंसेक्स पहले भी लगभग 80 लाख गोड़ी धर्म में लिखी से और 1.5 करोड़ अन्य धर्म में काला मेंशन किया जाए, पहले मेंशन नहीं नहीं अभी भी अन्य गोड़ी में लिख लिख के मेंशन करें, हमन हाँ आदर्श। अब इनमें क्या होते समाज फिर बटते,
बीजेपी कांग्रेस, तो बाकी धर्म के मन बीजेपी कांग्रेस नहीं हुए, धर्म अपन धर्म रहते, हमारे आदमी बटा थे तो एक जगह रखे से एक व्यवहारिक ज्ञान हुई और देश के विकास में मध्य भारत के मूल निवासी जब तक अपन प्लेटफॉर्म में नहीं आई आप ओकर से विकास के बात करना बड़ा मुश्किल है। अब ये थोपे वाला काम मतलब अच्छा नहीं लगा है, बोलना नहीं चाहिए, हमन राजनीतिक पार्टी नो हन, लेकिन हमारे बीच ज्ञान है तो कन सीखना चाहिए। अगर विश्व के वैज्ञानिक मन कहा थे कि आदिवासी संस्कृति ही बचा सका थे तो थोकन कोशिश करना चाहिए, जबरदस्ती ही सनातनी है ये हिंदू बोल के मिक्स मत करें। विनोद नागवंशी जी के साथ आज बात करके मुझे एक चीज नई सीखने को मिली जो मैंने अभी अपने वक्तव्य के दौरान किया, ना ही मैं आस्तिक हूँ ना ही मैं नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। और आदिवासियों की इस वास्तविकता को बरकरार रखने के लिए जिस प्रकार से आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है, देखना यह है कि सरकार इसमें अपना क्या फैसला लेकर के आती है। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।